প্রাণ বাঁচাতে লেপার্ডের সাথে টানা 15 মিনিট যুদ্ধ করল এক মহিলা চা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলার রাজাভাত চা বাগানের 10 নম্বর সেকশনে। প্রতিদিনের মতো শ্রমিকেরা বাগানে কাজ করছিল। সকাল 8:30 নাগাদ এক লেপার্ড আচমকা বাগানে কর্মরত বয়স 35-এর মহিলা শ্রমিক অনিতা নাগাসিয়ার ওপর আক্রমণ চালায়। লেপার্ডটি অনিতার কোমরে থাবা বসায় এবং পরে ডান হাতে কামড় বসায়। লেপার্ডের সাথে অনিতা নাগাসিয়া যুদ্ধ চালায় এবং প্রায় 15 মিনিট ধরে যুদ্ধ চলে লেপার্ড ও অনিতা নাগাসিয়ার মধ্যে। এই ঘটনা দেখে আশেপাশের থেকে অন্য শ্রমিকেরা দৌড়ে আসে এবং লেপার্ডটি পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় অনিতা নাগাসিয়া মারাত্মকভাবে জখম হন। তাকে শ্রমিকেরা উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে অনিতা লতাবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাগানের শ্রমিকেরা জানান, হামেশাই লেপার্ডের হানার ঘটনা ঘটছে রাজাভাত চা বাগানে, কিন্তু বন দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে না। गर्दन को पकड़ने वाला था। आपका नाम? अनिता नागासिया। वाह, कहाँ आपका ही क्या बोले? 10 नंबर का था। उसके बाद अकेले थे आप? नहीं, हम भी सामने। उसके बाद दौड़ के आगे मकार दिया, उसको पकड़ दिया। अच्छा, आप क्या किया उसमें? वो कुछ भी नहीं कर सका सर, कुछ भी नहीं था हाथ में। भैया बोली तो क्या हुआ आज में वो अपन? ये जिसको हमला किया है अनिता नागासिया नाम है, वो लेबर लाइन का रहने वाली है। वो 10 नंबर सेक्शन में फोड़वा कर रही थी नाला में, उस समय बाघ आके अचानक हमला किया। तो हमला करने से वो मैंने एक बार तो मैंने गिर गई, उसके बाद फिर अपना जान बचाने के लिए वो बाघ से हमला करने लगा। अगर हमला नहीं करती, लड़ाई किया बाघ से? हाँ, लड़ाई नहीं करती तो उसको मैंने गला में ही पकड़ने वाला था। कितना लड़ाई चला बाघ से? 10 मिनट। 8:30 इस तरह का घटना हुआ। उसके बाद मैंने उसका संग साथी सब भी जिला उस समय भागने लगा। तब भागने से धमाधम एम्बुलेंस को फ़ोन करके हॉस्पिटल में लाया, गार्डन हॉस्पिटल। वहाँ थोड़ा फर्स्ट एड करके हम लोग यहाँ लोथाबाड़ी हॉस्पिटल में आए। कहाँ उसका चोट लगा है? वही दहिना हाथ में 2 जगह बहुत घायल कर दिया है। उसके बाद में कमर के नीचे जो भाग हम लोग नहीं देख सकते हैं, वह उस जगह में हमला किया है। ये कौन चाय बागान घटना है? ये राजा भात चाय बागान। अच्छा, आपका नाम? सिद्धियाल मान। आपके राजा बागान का है? मैं बागान का वर्कर हूँ, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ।